चार दिन पहले हुई अधिवक्ता की हत्या में आया नया मोड़। कानपुर नगर घाटमपुर कोतवाली अंतर्गत गांव रानसारी में चार दिन पहले हुई अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह भदौरिया की हत्या, उसको लेकर आज कचहरी में सारे वकीलों ने काम बंद रखा है और इसी मर्डर केस को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और यह कहा गया है कि मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और निर्दोष इस केस में फंसे नहीं और मुजरिम बचे नहीं। इसको लेकर आज वकीलों ने कचहरी परिसर में हड़ताल रखा। वर्तमान जनरल सेक्रेटरी, ये जो आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है? ये मामला ये है कि हमारे सम्मानित अधिवक्ता श्री सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी की निर्मम हत्या किए जाने के विरुद्ध शासन प्रशासन में हम लोगों ने एक मांग रखी है कि हमारे अधिवक्ता भाई के परिवार शोकाकुल परिवार के लिए 50 लाख रुपए की हमारी मांगे हैं और जो अभियुक्त अभी तक पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं वो भी हमारे एडीएम साहब से हमारी गुजारिश है कि उनमें से दोषी बख्शे ना जाएं और निर्दोष फंसाए ना जाएं जिससे कोई ऐसा कृत ना हो। और हमारे एसडीएम साहब ने हमारे अधिवक्ता के संबंध में हमारे चल रहे हड़ताल में अपना सहयोग किया गया है और हमें आशा है, पूरी उम्मीद है कि हमारे एसडीएम साहब महोदय इसमें अपने सक्षम अधिकारी पुलिस सक्षम अधिकारियों को जरूर इसमें जल्दी विवेचना करके और असल जो मुलजिम है उन तक पहुंचाएंगे। सर, महोदय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव सिंह परमार एडवोकेट है। मैं वर्तमान जनरल सेक्रेटरी घाटमपुर बार से बिलोंग करता हूँ। क्या मामला था? मामला है हमारे सम्मानित अधिवक्ता श्री सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी, जो कि वर्तमान में ग्राम प्रधानपति भी हैं ग्राम रामसारी के, उनकी जघन हत्या कर दी गई गोली मार करके। वो घर गए थे अपने चाचा को खाना लेके गए थे, घाटमपुर रहते हैं और उनका डेली आना जाना रहता है। आज आपकी एसएचओ महोदय से क्या वार्ता? हमारी एसएचओ महोदय से वार्ता हुई, उन्होंने तीन दिन पहले जब घटना वाले दिन उन्होंने कहा था कि तीन दिन के अंदर हम वर्कआउट करके आपको देंगे और वो अपने कहे हुए कथन पर बिल्कुल पूर्ण रूप से उन्होंने किया है। आज एक जो मुख्य अभियुक्त है उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और उस अभियुक्त के संबंध में हमारे अधिवक्ता समाज के सभी सम्मानित अधिवक्तागण उनसे मिलने गए थे और उन्हें आश्वासन दिया है कि निर्दोष फंसेगा नहीं और दोषी बचेगा नहीं, ये मेरा वादा है। और वो जो व्यक्ति आज पकड़ा गया है वो व्यक्ति अपने उसके जो व्यक्तिगत रंजिश के लोग हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। और बराबर हमारे एसओ महोदय और सीओ महोदय बराबर उनके घर वालों से कांटेक्ट करके सारा काम कर रहे हैं और हमारे एसओ महोदय जो हैं वो सराहना के पात्र हैं। उन्होंने जो अधिवक्ता भाइयों को आश्वासन दिया था उसमें उन्होंने फिट कारगर कार्रवाई की अभी तक और हम लोग संतुष्ट हैं। पुलिस प्रशासन के विरुद्ध अभी तक हमारा कोई वो नहीं है, वो हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बस केवल हमें उन बिंदुओं में पहुंचना है, ये हमारी बराबर बात हो रही है एसओ महोदय से कि वो मुख्य अभियुक्त के गिरेबान तक पहुंचने के बाद वो उसके द्वारा जो सटीक बताया जाएगा वो उनके मृतक के हमारे अधिवक्ता भाई के मृतक के परिवारजन से मिल करके तभी उनका नाम घोषित किया जाएगा कि जो अभियुक्त असल पे रहे हैं। और हर बिंदुओं पे हमने बता दिया है कि चुनावी रंजिश का भी एक हमारा कारण है। एक वर्ष बाद उनका चुनाव था, वो रिपीट करने वाले प्रधान थे, बड़े व्यक्तिवान थे वो, उनके अंदर ईमानदारी थी बहुत ही, वो सिंपल नेचर के थे, कभी किसी अधिवक्ता से किसी से उनका कोई वो नहीं था। ग्राम सभा भी उनका कोई ओपन रन की रंजिश नहीं थी, ना किसी से वो लड़ते थे ना झगड़ते थे, बड़े ही सोशल नेटवर्किंग वाले, बड़े ही ईमानदार और बड़े ही कानून प्रिय एवं वो कार्य करते थे जनता के सामने और उन्हें बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया था। आज जो हम बता दें रामसारी गाँव जहाँ की वहाँ की जनता आज 75% वो जनता वहाँ खुश है, उन्होंने विकास किया था, विकास की ओर चल रहे थे और उन्होंने तमाम योजनाएं आज भी पेंडिंग थी उस संबंध में भी हमारे अधिवक्ता समाज उनके साथ में था और उन्होंने जो भी कार्य किया था वो हमेशा बताते रहते थे कि नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ग्राम सभा में।